नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। छिंदवाड़ा की पांडुर्णा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुर्णा नगर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस राम शांति विद्या मंदिर एवं नगर पालिका स्कूल में बड़ी ही उत्सुकता के साथ मनाया गया। योग शिक्षा के महत्वपूर्ण ज्ञान से छात्रों को अवगत कराते हुए बताया कि हमारे जीवन में योग एक जादुई औषधि के समान है, जिससे जीवन को रोग मुक्त रखा जा सकता है। रोचक व महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सूर्य नमस्कार कराया गया। इन सूर्य नमस्कार के आसनों को छात्रों द्वारा एक विशेष उत्साह एवं ऊर्जा के साथ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग है। बता दें कि वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ है पूरी धरती ही एक परिवार है, अर्थात सभी लोग अपने अपने स्वास्थ्य के लिए योग करना अपने जीवन का मूल उद्देश्य मानकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर नगर के राम शांति विद्या मंदिर में विद्यार्थियों के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसका संचालन खेल शिक्षक नरेंद्र सौदागर, प्रवीण वाघमारे एवं आदित्य कोरे द्वारा किया गया। वहीं नगर पालिका स्कूल में भी योग दिवस के आयोजन पर नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता और विद्यार्थियों द्वारा योग शिक्षक के नेतृत्व पर सभी ने योग कर योगा द्वारा शरीर को स्वस्थ बलिष्ठ बनाने योग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर शाला प्राचार्य श्रीमती चारू गुलाटी, मैनेजर रोहित धवले व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। वही नगर पालिका स्कूल में नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घटोरे, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र घोड़े, सभापति प्रदीप जोनकर, पार्षद लोचन खमसे, दुर्गेश उइके, उमेश उल्टे, संजय राठौर, नीरज दुबे, प्रधान पाठक के साथ शिक्षक उत्तम सांबारे, प्रकाश घाटोरे साथ में विद्यार्थियों द्वारा योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। पांडुर्णा संवाददाता मनोज गुद्धी की रिपोर्ट।